we all taken student stand here, not only for family, not only for Tagen community. Tapumira is first Mount Everest of Arunachal Pradesh, as well as Tapumira is Mount Everest of our beautiful country. तो इस चीज़ को लेके तपुमिरा जो है कि उसका असिस्टेंट और तपुमिरा जो है कि कुछ माउंट से लापता है, आप लोगों को भी पता है। तो रिगार्डिंग वो मैटर को लेके ऑल तागिन स्टूडेंट यूनियन कल सीएमओ ऑफिस में एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया है और प्रेस क्लब में भी मैं डिटेल बता चुका हूँ। तो उसमें से तो मैं ट्रोली जाना चाहूँगा, उसमें से चार पॉइंट है। एक पॉइंट ये है कि immediate continuation of rescue operation by constituting an expert search committee. तो इसमें ऐसे है कि आप लोगों को पता है अभी जो है कि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद करके रखा हुआ है। गवर्नमेंट इस टाइप का बंद कर दिया है कि फैमिली वाला और हम लोगों को सेंटिमेंट हुआ ये चीज़ को, क्योंकि कब स्टार्ट करेगा ये भी कोई नहीं बताया, और इधर तीन कोने से स्टार्ट करेगा बोल के ये भी कोई एश्योरेंस नहीं दिया है। तो उस बेसिस में ऑल तागिन स्टूडेंट यूनियन का डिमांड ये है कि जल्द से जल्द आप जो है कि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन टीम को वापस लाइए, वापस करने दीजिए, कंटिन्यूसली करने दीजिए, यही डिमांड है। और आप लोगों को भी पता है, मीडिया वालों को बोले और पब्लिक का जानकारी के लिए बता दें कि तपुमिरा जैसे इतना महान हस्ती को खोने दे के स्टेट गवर्नमेंट जो है कि उल्टा कंटिन्यूसली आप एक्सपर्ट से एक्सपर्ट को बुला के करने का जगह में वो जो है कि उल्टा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद करके रखा है। अगर उसका जगह में हम लोग आम आदमी गायब होता है बोलने से, जितना भी अरुणाचल का जनता को बताना चाहूँ क्या हाल होना था, हमको पूछेगा भी नहीं। एक महान हस्ती को गायब होने देखे उल्टा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन टीम को अभी रोका के रखा है। तो इसलिए तागिन स्टूडेंट यूनियन और फैमिली वाला का जो है कि नाराज ये है कि स्टेट गवर्नमेंट को आप जल्द से जल्द जो आप सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद करके रखा है इसको कंटिन्यूसली स्टार्ट कर दीजिए। और सेकेंड पॉइंट ये है कि इमीडिएटली सेटअप हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी अगेंस्ट डिप्टी कमिश्नर ऑफ ईस्ट कमिंग। जैसे कि ये सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जब से तपुमिरा गायब हुआ है, दो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन किए आप लोगों को भी पता है। तो उसमें से एक जो है कि गवर्नमेंट जो इनिशिएट करके पर्स का टीम जो गया है, तो पर्स का टीम जो है कि जिस लेवल तक पहुंचना था और नहीं पहुंचा है, इसे फैमिली वाला और हम लोग इसको लेके डिससेटिस्फाई है, क्योंकि वो जो है कि इसलिए डिससेटिस्फाई है कि सेकंड में आप लोग भी पता है सेकंड टीम जो है कि फैमिली का तरफ से पर्सनल एंगेज करके जाने दिया है। तो इसमें फर्स्ट टीम जहाँ में नहीं पहुंचा है उल्टा वो पहुंचा है। सेकेंड में तो आप लोग तो पता है तंदा दिन में बर्फ भी ज़्यादा गिरता है, लेकिन कैसे करके सेकेंड टीम वहाँ पहुँच गए। एक्चुअली फर्स्ट तो पहुँचने से आज का दिन में तपुमिरा जो है कि शायद जिंदा हम लोग का साथ भी होता। तो वो चीज़ को लेके डीसी को इसलिए नाराज है कि वो जो है कि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन टीम को वापस बुलाया, फैमिली जो है कि क्यों कॉल अप किया है पूछा है, तो फैमिली को बोला है कि वो स्टेटमेंट ऐसे डीसी बोला है कि फैमिली का जो बताने का आपको बताने का ये है कि फैमिली को बोला है कि आप जो वहाँ में चाइनीज आर्मी जो है कि इंडियन आर्मी वहाँ में क्रॉस हो जाएगा तो फायरिंग होके किसी का जान चला जाएगा, आप उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा क्या? ये भी सबसे बड़ा सवाल, क्या चाइनीज का डर का कारण से डीसी जो है कि ये सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद किया है। और इसका बात वो ऐसे लिख दिया कि 144 CRPC लागू कर दिया वो जगह में, कोई भी एक्सपेडिशन वहाँ में नहीं करना है बोल के, तो फैमिली वाला को क्या करेगा अभी? तो वो 144 दो माउंट के लिए लागू किया। अरे एक्चुअली ये होना चाहिए कि एनी हाउ जो भी सिचुएशन में वो लोग ढूंढने के लिए कोशिश करना है। तो ये डीसी का बिहेवियर और एक्टिविटी को लेके फैमिली वाला और मेरा तागिन कम्युनिटी, तागिन स्टूडेंट यूनियन नाराज है। इसलिए डीसी का अगेंस्ट में ये कार्रवाई जो है कि अगर उसमें से ये हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी सेटअप करके करने में तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी सेटअप अगर डीसी सही है तो वेल एंड गुड, हम लोग को कोई एतराज नहीं है। अगर वो सही है ना गलत है वो प्रूफ कर दो बोल के हम लोग जो है कि हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बैठा हो,
क्या उसका कोई फैमिली से इंटेंशन है क्या, उसका कोई तागिन कम्युनिटी से इंटेंशन है क्या, उसका कोई तापिमरा से इंटेंशन है क्या, क्यों ऐसे किया है, ये बड़ा सवाल है। और ये बोलता है कि वो जो पीछे का जाने वाला को फैमिली का साथ फैमिली जो एंगेज किया उसको ये बोलता है कि वो थोड़ी ना सुपरमैन है क्या, स्पाइडरमैन है क्या, ढूंढ के लाए गया है तो पूरा सामान लाया ना, आप लोग को पता है। और तीसरा पॉइंट ये है कि रिटर्न एश्योरेंस फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, आप लोगों को भी पता है कुछ 5 दिन से यहाँ में फैमिली वाला बैठा हुआ है, तो फैमिली वाला बैठा उसका बूढ़ी माँ जो है कि 85-90 ईयर्स हो गया, वो जो है कि धरने पे बैठा हुआ है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से कोई रिस्पॉन्स अभी तक भी नहीं आया है। कम से कम आपका ये उसका डिपार्टमेंट तपिमुरा जो है कि एक स्टेट गवर्नमेंट का एक ऑफिसर है, U10 स्पोर्ट का एक ऑफिसर है, वो डिपार्टमेंट तक भी देखने नहीं आया, ये सबसे दुख वाला बात है। तो वो चीज़ को लेकर इनकेस अगर यहाँ में वो तो चलो आदमी जो है कि जिंदा है ना मर्दा है पता नहीं, लेकिन ये तो जिंदा है ना, इसको कैसे करके बचाना हो स्टेट गवर्नमेंट का काम है। वो तो ये फैमिली वाला तो कुछ बड़ा वाला चीज़ भी तो डिमांड नहीं किया, चरता रोप डिमांड को आप लोग भी देखा ही होगा, उसको क्यों पुल पेल नहीं किया। इसलिए ये ओल्ड अगेन स्टूडेंट यूनियन का डिमांड ये है कि फैमिली का जितना डिमांड है रिटर्न फॉर्म में बाई प्रैक्टिकली में उसको कर देना है ये। और चौथा पॉइंट है कि पीपल लिबरेशन आर्मी एबडक्शन एस्पेक्ट, तो चौथा पॉइंट इस प्रकार का है कि देखो इसमें आप लोग भी मीडिया वाला भी ये नहीं सोचना है कि ऐसे तागिन स्टूडेंट ऐसे हुआ है बोल के बोल, ऐसे नहीं है, ये हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। इसलिए बोल रहा है कि पूरा एपिसोड को आप लोग देखाइए, पर्स का सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, सेकेंड का सर्च एंड रेस्क्यू, सेकेंड वाला टीम पहुँचे हैं तो उसका तपिमीरा और ये उसके असिस्टेंट निको डाओ का जितना बैलोंगिक सामान है वो टेंट का अंदर में है, लेकिन बदन गायब है, काम ही गायब है, लेकिन वो देत है ना मन अभी जिंदा है उसको भी पता नहीं है, अभी तक गवर्नमेंट पता नहीं है उसको क्या ना डिक्लेयर करेगा। तो उस बेसिस में लेके हम लोग का मानना है कि अगर पूरा सामान है तो वॉकी टोकी से लेके स्टिक से लेके पूरा माउंटेनियरिंग का सामान है वो हवा में है तो आदमी क्या गायब है, ये सबसे बड़ा सबब। या एम्बुलेंस ले गया होगा या ले गया बोलने से भी तो नीचे में ढूंढना पड़ेगा ना। और ये डाउट है कि ये चाइनीज आर्मी जो है कि उसको कहीं मैंने अपहरण करके ले गया है, ये डाउट है। वो जो है कि जितना सामान जो है इंडिकेट करता है, तो ओल्ड अगेन स्टूडेंट यूनियन का डिमांड ये है कि स्टेट गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट से कम्युनिकेट कीजिए, चाइनीज डिफेंस सिस्टम से कम्युनिकेट कीजिए, चाइनीज के NVC से कम्युनिकेट कीजिए, वहाँ में है ना नहीं है, कम से कम जिंदा है तो फैमिली वाला का हम लोगों का ये जितना भी अरुणाचल का एक सेटिस्फेक्शन फीलिंग, अगर मर भी गया है तो डेथ बॉडी मिलने से हाँ हम लोग ये मर गया बोल के अभी तक पता नहीं है कि जिंदा है ना मर जाए।